नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त दिखाई दे रहा है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का शिकंजा कसता दिख रहा है। इसी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, डीजीपी और एसएसपी पर कार्रवाई की गई, वहीं सीएम चन्नी भी शिकंजे में है। इस रिपोर्ट में देखिए। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है। डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी अर्चना वर्मा ने ये नोटिस जारी किया। इस नोटिस में डीजीपी चट्टोपाध्याय से पूछा गया है कि उनके खिलाफ ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी एक्ट के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। उन्हें जवाब देने के लिए शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया था, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी की गई थी। डीजीपी के साथ फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस और बठिंडा के एसएसपी अजय मलुहा को भी नोटिस जारी हुआ है। वहीं इन सभी अधिकारियों पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इन पर आरोप है कि पहले तो इन्होंने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी एसपीजी को गलत जानकारी दी, इसके बाद जब रास्ता जाम था तो उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और सिर्फ खानापूर्ति की गई। पीएम मोदी सुरक्षा चूक मामले में सवाल उठने के बाद पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और फिरोजपुर एसएसपी हरमनदीप सिंह बैच पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सवाल उठने के बाद पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और फिरोजपुर एसएसपी हरमनदीप हंस को हटा दिया गया है। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जगह 1987 बैच के आईपीएस वीके भावरा को पंजाब का डीजीपी बनाया गया है। वहीं एसएसपी हरमनदीप हंस की जगह नरेंद्र भार्गव की नियुक्ति की गई है। घटना के लगभग 3 दिन बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं केंद्रीय टीम पूरी जांच पड़ताल कर रही है और इसके लिए घटना स्थल से लेकर एयरपोर्ट और शहीद स्मारक स्थल पर टीम पहुंची है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की मदद के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के आईजी संतोष रस्तोगी को नियुक्त कर दिया गया है, जो पीएम विजिट से जुड़े सारे दस्तावेज अपने कब्जे में ले चुके हैं ताकि कोई छेड़छाड़ न किया जा सके। आपको बता दें कि पीएम मोदी 5 फरवरी को सड़क मार्ग से पंजाब के फिरोजपुर जा रहे थे, जहां उन्हें शहीद स्मारक जाना था, लेकिन रास्ते में ही कथित कुछ किसानों ने रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। इस मामले में पंजाब पुलिस और पंजाब की कांग्रेस सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस पर अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।